प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस श्रद्धा प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, फरमाइश कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि अपने छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करें। आज एक बहुत सुंदर वीडियो मंगल का तो ऐसे के बारे में बहुत सा वीडियो है, लेकिन आज मैं बतलाने जा रहा हूँ कि मंगल ग्रह कुंडली के किन किन भावों में प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ बनाता है। जिसके कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कर्म में सफल होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में मंगल बैठा हुआ, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ, क्या बात है दो, ये लोग बचपन से ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, पूर्ण समझदार होते हैं, इनको किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं रहती है। ये प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं, संसद विधायक मंत्री भी बनते हैं, राजनीति में पूर्ण सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में मंगल बैठा है, जैसा आपको मालूम है दसवें भाव में मंगल उच्च का हो जाता है, ऐसे कुंडली वाले बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग कभी जीवन में कर्जदार नहीं होते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग जीवन में अवश्य विदेश जाते हैं, अवश्य सफलता पाते हैं, इनको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है, ऐसे लोग का जीवन पूर्ण रूप से सफल होता है। और ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, दोस्तों ऐसे लोग बचपन से तीव्र बुद्धि के होते हैं, जो कुछ भी इनके पास रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, इनको पारिवारिक सुख भी मिलता है, संतान सुख भी मिलता है, करोड़ों रुपया जीवन में प्राप्त करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको आप सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते वक्त मैं विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।